समय धन है, विचार धन है, अनुभूति धन है, केवल पैसा धन नहीं है। शुरू में तो ऐसा कहा गया गोधन गज धन बाज धन, गौ को धन बताया गया, अश्वों को धन बताया गया, परिवार को धन बताया, परिवार बहुत बड़ी वेल्थ है, परिवार बहुत बड़ा धन है। कुछ कई बार तो कुछ लोग बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं, उनसे अपने स्वजन बंधु बांधव वो छूट जाते हैं, उनका इतना फोकस पैसा कमाने में कि धन तो उनके पास बहुत आ गया पर उनके परिजन खो गए, खुर्द बुर्द हो गए, परिजन कहीं चले गए, पत्नी कहाँ है, पति कहाँ है, पुत्र कहाँ है, संतति कहाँ है, अपने कहाँ हैं, मित्रिक हो गए उनके। हाँ उनके हिस्से में अट्टालिकाएँ तो जरूर आ गई होंगी, उनके हिस्से में बड़ा बैलेंस आ जाता है, बहुत धन आ गया है, क्योंकि जो फोकस किया वो उनके हाथ लग गए। काफ़ी पुरानी बात है, एक वृद्ध अपने मन की बात मुझसे करना चाहते थे। अब हम सन्यासी हैं, साधु हैं, गृहस्थों में भी साधु होने के बाद कोई ऐसा तो है नहीं कि हर पल हिमालय रहना रहा, मैं बहुत घूमता रहा था, बहुत ही सभ्य शिष्ट संस्कारवान परिवार, और उसमें जब दो चार बार गए तो उस परिवार में प्रीति हो गई, एक बहुत ही बड़ा संपन्न परिवार। उस परिवार के मुखिया ने मुझसे कहा कि कुछ एकांत में मन की बातें कर रही है, बहुत मन की बात, हम दोनों पति पत्नी मिलकर ये ध्यान रहे बच्चों को पता रहे हमने आपसे क्या बात की है। लगभग एक दशक हो गया इस बात को, लगभग 10 साल हो गए इस बात को, कुछ मन की बात कर दी है, बच्चों को पता ना लगे। तो तब इस तरह से कोई हाइड कर सकता है, इस तरह से छुपा सकता है, और संतानों से कुछ चीज छुपाई जाती है। 10 साल पहले मुझे भी नहीं पता था, अब तो मैं ही बड़ा चतुर हो गया कि किस तरह से हाइड की जाती हैं चीजें, वो पहले मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता बहुत ट्रांसपेरेंसी होती होगी, माता पिता क्या छुपाएंगे, बच्चे भी क्यों छुपाएं कोई चीज, कोई ताला लगाना छुपा के रखना, हमारा कैसा योग आ गया, कोई पासवर्ड बताने को राजी नहीं है अपना, सबने अपने अपने मोबाइल में अपने पासवर्ड डाल रखे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं पूछ ले कि भाई जरा हमें बताना क्या है। अपने अपने गैजेट्स में अपने जो ये जो आईपैड आईफोन आई जो एक कलाई के जो आई एक कॉन्सेप्ट आया है, मुझे लगता है आई सैड है ये तो मुझे ऐसा लगता है। अपने अपने सब हमें ये पहले पता नहीं था, 10 साल पहले मैं थोड़ा चौंका कि थोड़ी मन की बात करनी है, बच्चों को पता ना लगे करिए। वो कहने लगे कि हमारा हमने पूरा समय श्रम साधन अपनी सारी योग्यता पूरा जीवन इनको दे दिया, अपने बच्चों को हमारा पूरा यौवन दे दिया हमने, इनको पूरा जीवन दे दिया इनको हमने, हम जीते रहे इनके लिए मरते रहे, हमारे पूरा समय इनको दे दिया हमने अपने बच्चों को, हम कभी स्थान परिवर्तन के लिए नहीं गए, भ्रमण के लिए नहीं गए, देशाटन नहीं किया, तीर्थाटन नहीं किया, हम इतने संपन्न व्यक्ति, हम चाहते तो अनेक देश घूम लेते, हमने बहुत आनंद नहीं लिया, हमारा जीवन में कोई सुख नहीं लिया, हमने सब कुछ इनके लिए किया, सब कुछ इनको सौंप दिया, और अब क्या हुआ है, बोले वो हमारी सुध नहीं ले रहे हैं, अब उनका हमें कोई ध्यान नहीं है, उनका हमारे प्रति कोई एकाग्रता नहीं है, हमारी संवेदनाओं को वो नहीं सहलाते हैं, हमारी क्या आवश्यकताएं वृद्धावस्था में किस तरह से हमको कठिनाइयां हैं, उनका कोई हम में ध्यान नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो बात पूरी हो जाए तो मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पूरी बात कर लीजिए। तो लगभग उनकी आंखों में भी आंसू आ गए ये कहते हुए कि हमने पूरा धन जीवन यौवन सब इन्हें दे दिया, कुछ नहीं रखा अपने लिए, और इनके लिए मरते रहे, और अब है कि इन्होंने आंखें फेर ली हैं। तो मैंने कहा ये आज्ञाकारी संतानें हैं, ये सच्चे पुत्र हैं आपके, जो कुछ इन्होंने आपसे सीखा है अब अपनी संतानों पर उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये आपसे तो सीखा है इन्होंने कि बालकों के लिए जिया जाता है, उनके लिए सब कुछ सौंप दिया जाता है, आपने कुछ और कहाँ इन्हें सिखाया, कब कुछ और नया क्या बताया आपने, आपने कब कोई सामाजिक अनुष्ठान किए लोक हित के लिए, आप कब इन्हें बाहर लेकर गए परिजनों के लिए संबंधियों के लिए, चूंकि उनकी बात में यह भी एक बात थी कि हमने इनके लिए इतना जिए कि संबंधी छूट गए परिजन छूट गए,
अपने छूट गए हमारे इनके लिए, तो आपने एक फोकस बनाया कि केवल अपने बच्चों का को बड़ा बनाना है, लालन पालन ताड़न पूरा ध्यान। अब वो लौटा कर आपको दे रहे हैं, वही चीज लौटा कर आपको दे रहे हैं। साधन कितना भोगा जाए पता नहीं है, हमें अपना समय कितना कब और कहां लगाना चाहिए पता नहीं। तो जो धर्म वस्तु नहीं जानते ये ध्यान रखना, वो टाइम वेस्ट करते हैं, उनको समय का पालन करना नहीं आता, ये बड़ी समस्या है। और जो साधक है उसको अपने समय का पालन करना आता है कि हमको यौवन में क्या करें, प्रौढ़ता में क्या करना है, वृद्धावस्था है तो क्या करना है। मुझे हृदय से क्षमा कीजिए, बहुत से लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं आपका, चलाओ आपकी लाइफ प्लान कर देते हैं, आपकी कैपिटल प्लान कर देते हैं कि आपके पास कितना धन है, लाओ हम प्लानिंग कर देते हैं आपकी, आपके धन का कहाँ कहाँ निवेश करें, आप कहाँ भूमि ले लें और आप किस तरह से बॉन्ड ले लें, किस तरह से कौन से बैंक में रखोगे तो ब्याज आएगी, वो एक प्लान कर रहे हैं आपका, फाइनेंस प्लान कर रहे हैं, आपकी योजना बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपकी जो कैपिटल है इसको, आपका जो धन है इसको हम बताएंगे। तो जो आपके अर्थ को बता रहे हैं कैसे कैसे करें, ध्यान रखिए समय को कैसे प्लान करना है कौन बताएगा आपके अर्थ के लिए, तो बता देंगे कंपनियां जो अर्थ पर बहुत जिनकी समझ है, लेकिन समय का सदुपयोग कैसे करना है, कौन सा समय, वृद्धावस्था में क्या करोगे, अशक्यता आएगी, दुर्बलता आएगी, निर्बलता आएगी, पाचक तंत्र शिथिल हो जाएंगे, और ये ध्यान रहे उस समय चिड़चिड़ापन आता है, खीज आती है, झल्लाहट आती है, क्योंकि हम जीत नहीं पाए, हम वो बन नहीं पाए, हम वो हो नहीं पाए, तो अपने में जो अपनी असफलता है जब वो सामने खड़ी होती है तब तब कुछ और स्थितियां होती हैं। इसलिए जो समय है अर्थ के रूप में, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, धन की बात कर रहा हूं, तो कुछ लोग धन को केवल पैसे के रूप में लेते हैं, धन को केवल सोने के रूप में लेते हैं, धन माने समय, जो समय है उसकी योजना कैसे बनाएं। भोर में किस तरह से पंछी निकल गए, भोर में कब उड़ गए, डोर मेरा कब खुलेगा, ये पूरी मेरी मंडली को पता है, उसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर हो सकता है, कुछ 20 सेकंड का या 30 सेकंड का, उस बहुत दिनों से, एक साल से नहीं 20-25 साल से, वो मेरा द्वार भोर में कब खुलेगा उनको पता है, क्योंकि मैं जिस गुरु के पास रहा उसने कहा तू समय और इसकी गति, इसके स्वभाव और इसे लाभ लेने की बात मुझसे सीख, क्योंकि सबसे बड़ा धन है समय, चूक पुण्य का पछताने, समय चूक पुण्य का पछताने। अब कैपिटल की बात कर कि जी हमको तो बहुत धन कमाना है, समय धन आपके पास है, समय का सदुपयोग कैसे करें, समय की योजना क्या बनाई है, भोर में ध्यान कब हो, जप कब हो, अध्ययन लेखन कब हो, चिंतन कब हो, मनन कब हो, हम तो चिंता में हैं, तो कितना चिंता में रहें, कितनी चिंता करें हम, कितने दिन तक, हम तो बहुत चिंता में, हम तो बहुत दुख में हैं, हम तो दूसरों से बड़े आहत हैं, तो कब तक हर्ट होके रहें उनके बीच में, जिन्हें निकलना नहीं आता, उस समय को ब्यूटिफाई कीजिए, उसे सुंदर बनाइए, बहुत 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 करो, उसमें अलग 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 चीजें डाल दो, उसमें लेखन है, चिंतन है, अध्ययन है, मनन है, उसमें शुभ कर्म है, कई 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 चीजें। एक बार मैं उत्तरकाशी से ऊपर एक जोगड़ गांव, कभी कोई 100 वहां जोगी रहते थे, वो ज्यादा रहते होंगे कम रहते होंगे, पहाड़ के लोग हैं जो कहानी सुना देते हैं वही माननी पड़ती है। अब उन्होंने कहा 100 रहते थे, मैं 100 बता रहा हूं आपको। एक जोगड़ गांव है उत्तरकाशी से थोड़ा नीचे है, ज्ञानजा ज्ञानसु, छोटे 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 गांव है उजैली, उन दोनों वहां बहुत साधु रहते थे, बहुत वैसे साधु जो समाधि सीखने गए थे, अध्ययन करने गए थे, वेद पढ़ने गए थे, हिमालय बड़ा आकर्षित कर रहा था कि बहुत पढ़े लिखे लोग, अध्ययनशील लोग, जिन्हें समाधि आती है, जिन्हें बहुत ऊंचाइयां जिन्होंने अर्जित कर ली है, वो साधु कहाँ रहते हैं, उत्तरकाशी। मैं भी उस लोभ में चला गया उत्तरकाशी, मुझे वो साधु देखने, किसी ने कहा यहाँ 100 साधु रहते थे इस गांव में, वहां चलते हैं। उस पहाड़ी पर हम पहुंचे तो वहां एक महात्मा था,
मैं तो जोगढ़ गांव माने जोगियों के गांव की कल्पना करके गया, पर वहां एक ही टूटा फूटा सा वो एक स्थान था। उसने कहा कभी किसी कालखंड में थे, अब नहीं है, अब एक ही रह गया है। तो मैंने कहा कुछ हमने पूछना था। तो उन्होंने कोई 3 महीने के बाद की डेट हमको दी। तो उन्होंने कहा आप आ गए, स्वागत है, ये जल रखा है, आप जिस समय आए, मेरा मिलने का समय नहीं है, जल है। और कुछ सूखे फल भी वहां रखे थे संयोग से, और मैंने जीवन में पहली बार महुआ देखा सूखा क्या होता है, कि कुछ सूखे फल हैं, ये जल है, और आपने मुझसे बात करनी है। हाँ, 3 महीने के बाद की डेट दी और बोले अच्छा आप मुझसे बात कर लेना, 5 मिनट का समय आपके लिए, 3 महीने के बाद की डेट है। आज से 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं। बोले मेरे पास कोई समय नहीं है, ये इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है, ध्यान सीखने आयो जियो ध्यान में, समाधि सीखने आई है, खुद से पहाड़ खोदो, खुद से अपना रास्ता ढूंढो, अपदीपो भव। मैं ध्यान की कुछ बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे मुंह से ऐसा ही निकल गया कि थोड़ा ध्यान पे चर्चा करने आया था, थोड़ा समाधि पे चर्चा करने आया था, 3 महीने के बाद आना, मेरे पास कोई समय नहीं। एक और वहां साधु था और उसने कहा सचमुच स्वामी जी आपका न तो आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, न आपका अनादर कर रहे हैं, ये बहुत व्यस्त हैं, ये इनके पास समय है ही नहीं, और जो इन्होंने डेट दी है आपको 3 महीने के बाद, मैं इनका चार्ट दिखा देता हूँ। वो अंदर से आए, तब तक तो साधु अंदर जा चुका था वो, तो उन्होंने कहा मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ इनका, वो 3 महीने के बाद की डेट जो दी है उसी दिन ये खाली है। वो जो समय दिया है ऐसे 5-6 लोगों को भी समय दिया है, उसमें आपका ही 5 मिनट है, आइए 3 महीने के बाद, क्योंकि मैं भी खाली नहीं हूं। आप कल्पना कर सकते हम तो बहुत खाली हैं, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा शब्द सीख लिया है सबने, हम बड़े बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं। अच्छा जो बिजी नहीं है वो भी बोल रहे हैं हम बहुत बिजी हैं, हम तो बहुत ही व्यस्त हैं, अस्त व्यस्त हैं, व्यस्त नहीं है हम, अस्तपस्त हैं, व्यस्त नहीं है। व्यस्तता तो कुछ और चीज का नाम है, क्योंकि क्रम नहीं जानते कैसे जिए। समय एक धन है, विचार एक धन है, परिवार एक धन है, मित्र एक धन है, प्रकृति एक धन है, कैपिटल एक नहीं है। अब एक आंखें बंद करके धन के पीछे दौड़ लगाना कि बहुत धन आ जाएगा, बहुत पैसा होगा तो बड़प्पन मिलेगा, ख्याति मिलेगी, संपन्नता और तरीके के अनुकूलताएं लेकर आती है। ये सच है कि आर्थिक अनुकूलताएं बहुत कुछ दे देती हैं, वो भी एक सच है, लेकिन अर्थ सब कुछ नहीं देता, केवल धन में सब कुछ नहीं छुपा है। तो धन का सदुपयोग कैसे करना है, वो समय धन हो, परिवार धन हो, मित्र धन हो, या जीवन धन हो, लाइफ कैपिटल, जो जीवन धन है, जो प्राण धन है, बिना धर्म के धन का या बिना धर्म के अर्थ का उपयोग नहीं कर सकते। धर्म ही आपको दृष्टि देगा कि अर्थ कितना चाहिए और वो कितना। तीन त्यक्ते न भुंजी था माग्रध कस्पित धनम, कितना गिद्ध जैसी दृष्टि न रखें उस पर, उतना जो त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, प्रेम पूर्वक भोगा जा सके उतना धन। कबीर जैसे आदमी थोड़ा घाटे टोटे में रहता होगा तो उसने तो लगभग कुछ एक लमसम कोई बात कही कि इतना धन दे दीजिए मुझे, बड़ा कबीर थोड़ा घाटे और उसमें बहुत ज्यादा धन नहीं रहा होगा, तो उन्होंने कहा कितना हो कि जामे कुटुंब समाए। एक मैं किसी अपने मित्र सन्यासी से कह रहा था कि इसको किस अर्थों में लें, बोले जिसका जितने साइज का कुटुंब है। मैंने कहा मेरा तो कुछ ज्यादा बड़ा परिवार है, जगह 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 हमारी शाखाएं, जगह जगह हमारे लोग हैं, तो मैं इसको किस तरह से लूं। बोले उसी साइज में आप ले लीजिए, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। कुटुंब, अरे ध्यान दो, कुटुंब के लिए धन मांगा है, खुद के लिए नहीं। कबीर की फिलॉसफी देखिए, कबीर किसके लिए धन मांग रहा है, साईं इतना दीजिए। धन माने केवल पैसा नहीं, वो सारे साधन, मुझे उतने साधन दे देना जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। और उसमें एक नई चीज जोड़ी फैमिली में, साधु न भूखा जाए, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। आपके परिवार में एक हिस्सा साधु का भी डालो, सत्पुरुषों का डालो,
एक हिस्सा उसको अपना फैमिली मेंबर बनाइए। साधु ना भूखा जाए मेरे घर, एक तो मैं भी भूखा ना रहूं और मैं एक सन्यासी साधु संत का और एक यति योगी तपस्वी का भी आदर कर सकूं। साधु ना भूखा जाए, इस करते अतिथि अभ्यागत आगंतुक, अनायास कोई मेरे जीवन में आए मैं उसका भी आदर कर सकूं। साईं इतना दीजिए, अब क्या दीजिए, साईं इतना दीजिए, इतना प्रेम दीजिए, इतना ज्ञान दीजिए, इतना आदर दीजिए, इतनी सद्भावना दीजिए, इतनी मुझ में संवेदनाएं दीजिए कि मैं भरा पूरा अनुभव कर सकूं और जो दूसरा आया है उसका भी आदर कर सकूं। बिना धर्म के अर्थ का अनर्थ कर देंगे हम, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत भोगने की प्रवृत्ति हम में आ जाए, तो हम भोगें त्याग पूर्वक। तीन त्यक्तेन भुंजी था, वेद ने कहा है जो कुछ आए आपके लिए ये आपके भोगने के लिए नहीं है, त्याग पूर्वक भोगो। और मेरा ऐसा विश्वास है कि व्यक्ति जब त्याग पूर्वक भोगता है तो बचता है, फिर बहुत बच जाता है। जो लोग इस प्रकार की शिकायत में हैं कि महाराज जब बहुत थोड़ा सा है क्या कर रहे हैं, बचता ही नहीं है तो दान कहाँ से दें, सेवा कैसे करें, दूसरों के काम में कैसे आए, वो बहुत कम है। अरे त्याग पूर्वक भोगोगे, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक तो ज्यादा दिखेगा। को भोग की सीमा तो खड़ी करो। और मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर धर्म जीवन में आ गया तो सीमा खड़ी होगी, एक बॉर्डर लाइन खड़ी करेंगे आप, वर्जना खड़ी करेंगे। और अगर आपने बॉर्डर नहीं लगाया कोई कि कितना चाहिए, कितना जिए, कितना भोगें, तो ध्यान रहे वो अधर्म हो जाएगा।